पटना में पूर्व मंत्रियों ने बंगला खाली करना शुरू कर दिया है। बीजेपी कोटे के पूर्व मंत्री अपने सरकारी आवास खाली करने में लगे हैं। पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार भी अपना सामान निजी आवास में लेकर जा रही हैं। उनका कहना है कि दिन में कई लोग बंगला खाली ये कहिए कि बंगले को देखने आ रहे हैं, इसलिए सामान खाली करना भी शुरू कर दिया है। अभी तक सरकार ने दूसरा बंगला अलॉट नहीं किया है। बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने अलॉटमेंट के साथ ही अब जो है एक तरह से कहे बंगले अपने खाली करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि जो अभी वर्तमान सरकार है यानी महागठबंधन सरकार के मंत्रियों को बंगले अलाट हुए हो गए हैं, लेकिन पूर्व मंत्रियों को बंगले नहीं मिले हैं, यानी कई कई बार से विधायक हैं उनको बंगले नहीं मिले हैं। ये आवास जो है प्रमोद कुमार का आवास है, पूर्व मंत्री हैं, विधि और गन्ना मंत्री थे। अब उनके यहाँ से सामान देखिए धीरे धीरे जो है वो बाहर ले जाया जा रहा, एक तरह से कहें कि अभी इनको नया जो बंगला है वो अलाट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी सामान जो है ये अपने यहाँ से निकाल रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए कि ये सामान जो है कह रहे हैं कि हम किसी परिचित के यहाँ रखे हैं, क्योंकि जब बंगला अलाट होगा, जब नया बंगला मिलेगा, तभी हम अब जो सामान है वहाँ रख पाएंगे। लेकिन अभी चूंकि ये जो बंगला है, ये बंगला जो है कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को अलाट हुआ है, तो ये बंगला अब ये खाली करके जा रहे हैं। और साफ तौर पे है कि जितना सामान है वो अब सामान धीरे धीरे निकल रहा है, यानी कि अलाटमेंट के साथ ही भले ही पूर्व मंत्री के लिए बंगला अलाट नहीं हो, लेकिन वो अपना सामान जो है यहाँ से ले जा रहे हैं, यानी इस बंगले को जो मंत्री का बंगला है वो खाली कर रहे हैं। तो साफ तौर पे है कि बंगला खाली करने के प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो गई है। दिन भर में 4 बार लोग आ रहे हैं फ्लैट कोठी देखने, तो इसको धीरे धीरे हम अपने सामान को प्राइवेट डेरा में रखवा रहे हैं कि जब मिल जाएगा तो वहाँ ले जाएगा। मतलब ये तो आप ये भी कह सकते थे कि जब तक नहीं मिलेगा तब तक खाली नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से खाली कर दे रहे हैं। नहीं, हमको हम अभी पूरा खाली नहीं किए हैं, अभी जो हमारा लिखने पढ़ने वाला जो सामान है इसको हटा रहे हैं। अच्छा, जब मिलेगा तभी खाली होगा? हाँ, जब मिल जाएगा तो खाली कर देंगे पूरा। अच्छा, तो जब मिलेगा तब पूरा खाली होगा, लेकिन अभी जो सामान है वो सामान को जो है वो हटा रहे हैं। साफ तौर पे है कि ये एक तरह कहा जाए कि पूर्व मंत्री की पहल है, और ये इसलिए पहल है क्योंकि जो नए मंत्री हैं वो यहाँ आ सके और वो यहाँ रहे। कैमरामैन शहनवाज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।